इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम, जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसके त्रिपाठी। सूबे में चुनावी साल है तो सरकार को जनता की हर वो याद आने भी लाजमी है जिसकी उसे दरकार है। तो दूसरी तरफ सरकार भी जनता की हर हाल पर चिंता कर रही है, यह जताने के लिए घोषणाओं की बौछार लगा दी है। ऐसी स्थिति में सरकारी कारिंदे अपनी मांग मनवाने के लिए कैसे पीछे रहे। समय भी अनुकूल है तो मौका भी मौजूद है। नतीजतन आए दिन कर्मचारी संघ हमारी मांगे पूरी करो का नारा बुलंद करते हुए सड़क पर उतर रहे हैं। कोई वेतन विसंगति को लेकर तो कोई नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या पता आने वाली सरकार उनकी मांगों पर विचार करे या ना करे, इसलिए चुनाव के पहले ही मांग पूरी हो जाए तो बेहतर। चुनाव सर पर है तो सरकार दबाव में है, यह पहला मौका नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। चुनावी वेला आते ही कर्मचारियों की उम्मीदों में पंख लग जाते हैं। ये दिल मांगे मोर की तर्ज पर कर्मचारी संगठनों के लिए ये साल गोल्डन साल कहलाता है। यही वजह है कि एक बार फिर अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया। मांग पत्र के जरिए संघ ने सरकार से अनुरोध भी किया और परोक्ष रूप से धमकी भी दी। धमकी इस बात की कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो चुनाव में खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। इसके लिए बकायदा संघ ने उनसे और उनके परिवार से जुड़े मतदाताओं की गिनती का अपनी मांग पत्र पर उल्लेख भी किया है। आगे कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार कितना गंभीरता से लेती है यह तो बात की बात है, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने के दौरान आम जनता को जो परेशानी होती है उसका जिम्मेदार कौन है। हड़ताल के समय जो सरकारी काम प्रभावित होते हैं उसकी भरपाई कैसे और कब होगी। क्या हर बात पर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए, या फिर सरकार को कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा करके बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए जिससे वो सड़क पर कदम ताल कर रहे कर्मचारियों की रैली पर लगाम ला सके। ऐसे में आज चर्चा संविदा पर संग्राम के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम, जनता मांगे जवाब। तो सूबे में किसी भी सियासी दल की सरकार हो, कर्मचारियों की मांगों का कोई अंत नहीं होता। समय समय पर उठती मांगों को लेकर सरकारें भी आर्थिक ढांचे को देखते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाती है, लेकिन जब चुनावी साल होता है तो सरकारों को भी कर्मचारियों की अनुचित मांग भी उचित लगने लगती है क्योंकि उसे भी वोट की चिंता सता रही होती है। तो दूसरी तरफ समय के अनुरूप कर्मचारियों की मांगों में इजाफा भी हो जाता है। मौजूदा शिवराज सरकार की ही कर्मचारियों को लेकर की गई घोषणाओं पर नजर डालें तो आने वाले समय में सरकार का आर्थिक ढांचा दबता नजर आएगा जिसकी भरपाई सरकार को निश्चित तौर पर कर्ज लेकर भरनी पड़ेगी। पहले शिक्षकों के दबाव में आकर उनके सम्मेलन की मांग को पूरा किया जिससे सरकारी खजाने पर करीब 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसके बाद पंचायत सचिवों के आगे झुककर सरकार ने सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 22 करोड़ और सालाना 258 करोड़ का बोझ डाला। वहीं सभी कर्मचारियों को साधने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से 6.5 लाख कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की घोषणा भी कर दी। इसी तरह दर्जन भर से ज्यादा विभागों के कर्मचारियों के लिए जल्द ही वादा निभाने का पिटारा भी खोला। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों के दबाव में रहती है तो बात दीगत नहीं। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम, जनता मांगे जवाब। तो शिवराज कैबिनेट से पारित होने के बाद लागू की गई संविदा नीति में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों के संविदा अधिकारी और कर्मचारियों ने आज राजधानी में सख्त प्रदर्शन कर शिवराज सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ से जुड़े मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज कर्मचारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोला।
कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग सहित रिटायरमेंट की आयु 62 साल करने तथा हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लेने की मांग की गई। सूबे में हड़ताल पर हड़ताल, सरकारी सेवाएं हुई बदहाल। बड़ा सवाल, आखिर कब तक चलेगा ये बवाल? चुनावी साल में मध्य प्रदेश में हर कर्मचारी संघ हड़ताल कर रहा है, या यूं कहें कि हड़तालों का दौर अब परंपरा बनता जा रहा है, जिसके आगे सरकार लाचार है। ऐसे में ऐसा कानून भी नाकाफी साबित हो रहा है। एक तरफ नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर प्रदेश के अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी संघ 7वें वेतनमान समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सचिव और CEO ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी हो या फिर प्रदेश भर के वकील, सभी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। अखिल भारतीय संविदा कर्मचारियों ने सबसे पहले शिवराज सरकार के मंत्रियों के बंगलों का घेराव किया। उसके बाद संविदा कर्मचारियों ने रोशनपुरा चौराहे से अंबेडकर मैदान तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है, यदि इस अवधि में उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वे अपना प्रदर्शन उग्र कर सकते हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि 15 सालों से मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है, लेकिन आज तक संविदा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। अगर इस बार भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में BJP सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हमारा 184,000 संविदा आज पूरी तरीके से एक हो चुका है और शासन भी चेतावनी देता है कि हमारी मांगे मान लो और नहीं तो आर और पार वो बदल देंगे सरकार। संविदा कर्मचारी है 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए और 80 लीटर रक्त दान कर चुके हैं मामा जी के लिए। अगर हमें नियमित करते हैं, इस कासे से बहाली करते हैं तो हम मामा जी को तोलेंगे। आज हम यहाँ से निर्णय लेके जाएंगे, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम सरकार भी बदल सकते हैं। वैसे हमारी अपनी अपनी मांगों को लेकर हम लोग एकजुट हो चुके हैं और निश्चित रूप से सरकार को ये चीजें माननी पड़ेंगे कि हमारी वजह सरकार को गौरव मिलता है, वो उन्हें भी हमें अपना गौरव हम ले लेंगे। चुनावी साल में अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। अधिकार को हासिल करने की एक अजीब परंपरा बनती जा रही है। न तो हड़ताली लोगों को परेशानी से मतलब है और न ही सरकार जनता के दर्द को समझ पा रही है। कर्मचारियों की सरकार से लड़ाई की वजह जहां सूबे के विकास पर असर पड़ रहा है। वहीं मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में जनता में निराशा का माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या इन हड़तालों से कोई ठोस हल निकल पाएगा? क्या कर्मचारी संगठन हड़ताल को ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिर कर्मचारियों और सरकारों की तकरार में जनता को ही बेहाल क्यों होना पड़ता है? और चुनावी साल में सरकार हड़ताली कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? भोपाल से संजय डोंगर दिवे गब्बर सिंह के साथ रश्मि मिश्रा की रिपोर्ट। तो जब सामने हो कसमकस भरा चुनावी साल, तब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करे हड़ताल पर हड़ताल और फिर उनकी मांगों को पूरा करने में सरकारी खजाना हो रहा हो खस्ताहाल, तो सवाल उठते हैं। चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही कर्मचारियों की मांगों में क्या होता जा रहा है इजाफा? आए दिन कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करने से परेशान होती आम जनता का कौन है जिम्मेदार? नियमितीकरण को लेकर संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन क्या आने वाले चुनाव पर डालेगा असर? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विकास बोंद्रे जी, BJP नेता। विकास जी आपका स्वागत है। श्री सैयद जाफर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जाफर जी आपका स्वागत है। शरद वाजपेयी जी हैं, प्रदेश के संयोजक हैं अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी संघ के। वाजपेयी जी आपका स्वागत है। और आरपी श्रीवास्तव जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ। श्रीवास्तव जी आपका स्वागत। पहले वाजपेयी जी, आपसे तेवर ऐसे लग रहे हैं कि सरकार बदल ही देंगे क्या? वाजपेयी जी, संविदा कर्मचारी पूरी तरह शोषित है और कई एक लंबे समय से संविदा पर कार्यरत होने के बाद 20 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा और उसको आज तक उसी पद पर उसी जगह उसका कोई परिवर्तन नहीं आ पाया उसके लाइफस्टाइल में और उसकी जीवन शैली में, तो
वो काफ़ी ज़्यादा रोचित है और वो सरकार से अपनी डिमांड कर रहा है, लगातार करते आ रहे हैं। 8 तारीख को संविदा कर्मचारी संघ ने, हमारे संयुक्त संविदा कर्मचारी संघ ने शाहजहानी पार्क में एक मुख्यमंत्री के सम्मान में एक प्रोग्राम भी रखा था, और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं पहुँचे। फिर उसके बाद अपना रोष जताने के लिए कहीं ना कहीं तो जनता को सड़क पर आना ही पड़ेगा, और वो आ रही है, और वो कैसे न किसी तरीके से अपनी मांग मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहती है कि आप हमारी वेदना सुनिए और उसको दूर कीजिए। आपकी मांग क्या है तो बाद में, पहले आपने मुख्यमंत्री जी को अनुनय किया, विनय किया, बाद में आप धमकी देने लगे कि सरकार बदल देंगे। नहीं, सरकार बदल देंगे तो ऐसा फरमान जारी कर रहे हैं जैसे वाकई में आपके ही हाथ में हो सरकार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी वेदना तो मुख्यमंत्री जी को बता सकते हैं ना जी, वेदना बताई जा रही है कि हम काफी ज्यादा लंबे समय से, क्योंकि अभी जन अभियान परिषद का, जैसे विगत कुछ दिनों पहले जन अभियान परिषद का उन्होंने आदेश जारी किया जी। लेकिन और संविदा जो कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, 20-25 वर्ष तक से सेवा दे रहे हैं, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, काफी लंबा समय हो गया इनको सेवाएं देते हुए। आज अभी तक इनके लिए कुछ इस विषय में कुछ सोचा नहीं गया है, इनके नियमितकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या किया जाए, और इसीलिए संविदा कर्मचारी इतने लंबे समय से एक ही सैलरी, एक ही उस पर काम कर, एक ही पद पर काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, जिस पीड़ा को अपनी बताना चाहता है। इसमें अधिकारी भी है, अधिकारी कर्मचारी संघ जो है, तो इसमें अधिकारी कौन है, कर्मचारी कौन है? अधिकारी क्लास टू लेवल के जो ऑफिसर हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी हैं, और उसके बाद नीचे लेवल पे अपन आते हैं तो वहाँ तो अगर ये अधिकारी हैं तो संविदा फिर कैसे हुए? शासन ने भर्ती की है। संविदा में है क्या आपका, क्या फिक्स वेतन पे है, क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारा जो हमने इतने वर्षों से सेवाएं दी हैं उसका हमें समय के अनुसार हमें लाभ मिलना शुरू हो जी। कि आज की डेट में हर चीज प्रोग्रेस चाहती है, वृक्ष भी, पौधा भी लगाते हैं तो वो भी बड़ा वृक्ष बन के फल देता है। इस प्रकार से हमें इतने लंबे समय सेवाएं देते हो गया, लेकिन हमारे में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। सैलरी के नाम पर जो इंक्रीमेंट दिए जाते हैं वो बिल्कुल, सुविधाओं में कुछ नहीं मिलता, चिकित्सा सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं मिलती। जबकि अगर एक संविदा कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन ड्यूटी वो मर जाता है, तो उसको शासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसे में इतने लंबे समय सेवाएं देने के बाद अगर इस तरीके का इंक्रीमेंट लगता है क्या? इंक्रीमेंट लगता है, बहुत थोड़ा लगता है, ना के बराबर। आप किस पद पे हैं? मैं इंजीनियर पद पे हूँ। कहाँ, किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में इंजीनियर? हाँ, शिक्षा विभाग में इंजीनियर। शिक्षा अभियान में? सर्व शिक्षा अभियान, मतलब तो आप जब भर्ती हुए थे 20 साल पहले, तब आपका वेतन क्या था? उस समय हमारा वेतन मिलता था 12,500। अब कितना मिलता है? अब हुआ है 28,000। तो ये इंक्रीमेंट नहीं है क्या, आपने कहा ना के बराबर है? आप सोचिए ना, अगर मुझे 10 साल सेवाएं देने के बाद 28,000 पहुंच रहा है, और एक रेगुलर कर्मचारी का उसके कंपैरिजन में देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अधिकारी में से आते हैं जी, और कर्मचारी कौन है? नहीं, सभी अधिकारी कर्मचारी, कर्मचारियों में से जो आपका वो है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हमारे यहाँ, अलग अलग तरीके के विभिन्न उसमें हैं, कई सारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वृत्त वाहन चालक हैं। आपके पास हम आएंगे, हम जानना चाहेंगे प्रमुख मांग क्या क्या है आपकी, हम जानना चाहेंगे, तीन चार मांगे मानना चाहेंगे। लेकिन अभी चूंकि विकास जी हैं, विकास जी कितना भी करें लेकिन कर्मचारी नाराज ही हैं आपकी सरकार से। जैसा कि हमें लगा कि आपने 550 करोड़ का अतिरिक्त बोझ हो गया, संविदा कर्म जो शिक्षक थे उनका संविलियन कर दिया, पंचायत कर्मियों को आपने रेगुलराइज कर दिया, बहुत सारे, लेकिन दायरा बहुत बड़ा है और ऐसी स्थिति में आपने तेवर देखे होंगे। और मैं बता दूं, आपका जो मांग पत्र है, वाजपेयी जी बताएंगे, मांग पत्र जो है उस मांग पत्र में इन्होंने बताया है कि 182,000 संविदा कर्मचारी, उनके परिवार से जुड़े 10,00,000 लोग, मतलब 10,00,000 ये, और उनके मित्र, यार क्यों वाजपेयी जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। उनके मित्र, उनसे संबंधित लोग कितने हैं, ये लगभग 25,00,000 बताया है ना वाजपेयी जी, कितने 25,00,000 वो, तो 35,00,000, और 35,00,000 अगर ये नाराज हो गए, तो अगर आपकी 172 सीटें पिछली बार आई थी और कांग्रेस की 58 सीटें आई थी, लेकिन मतों में अंतर मात्र 36,00,000 का था, 36 था कि 26, 26,00,000 का था, और 26,00,000 के मतों के अंतर में आप समझ लीजिए कि 2/3 बहुमत के करीब थे। अब ऐसी स्थिति समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत
मामला गर्म है। जी जी बिल्कुल नहीं, ठीक आप कह रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, मामला केवल राजनीतिक आंकड़े निकालना, राजनीतिक रूप से उसे एक्सरसाइज करना कि कितने वोट मिलेंगे, केवल वही हमारा सोच नहीं है। हम तो सबका साथ सबके विकास वाली पार्टी है, यही नारा यही संबल लेके हम लोगों के बीच है और काम भी उसी ढंग से कर रहे हैं। वाजपेयी जी का भी धन्यवाद कि वो सरकार के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार में देखिए अलग अलग तरह से अधिकारी कर्मचारी रिक्रूट भी होते हैं और काम भी करते हैं। एक व्यवस्था बहुत पहले जब भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था तब भी चालू हुई थी कि संविदा कर्मचारियों को भर्ती करना, और वो चूंकि एक प्रक्रिया का अंग बन गई तो उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। फिर भी संवेदनशीलता के साथ में सरकार ने संविदा कर्मचारियों कर्मियों की मांगों पे भी वक्त वक्त पे ध्यान दिया है, उनके ऊपर काम भी किया है, उन्हें राहत भी पहुंचाई है, उनके जीवन स्तर को उठाया भी है। लेकिन वो तो वाजपेयी जी बता रहे जीवन स्तर जहां का तहां है। नहीं वाजपेयी जी से बात भी सही है, 12,000 मैं तो यूं कहूंगा वाजपेयी जी का आपने पूरा क्रॉस इंटरोगेशन कर लिया, उसमें वाजपेयी जी के परिवार मित्रों को भी वास्तविक स्थिति पता लग गई, हमें भी पता लगी, जनता को भी लगी है। देखिए मैं वाजपेयी जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो जनता को सरकार के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने प्रयास जो जो किया आपने स्वयं ही बता दिए कि कैसे शिक्षा कर्मियों से अध्यापक आपने एक दो वर्ग को खुश कर दिया, बाकी वर्गों को नाराज कर दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसके मामले में नीति बनाई गई त्रिपाठी जी, नीति वाजपेयी जी को ज्यादा बेहतर पता होगी कि सरकार ने एक नीति बना। देखिए सरकार एज अ वाजपेयी जी आए, उनके साथ में स्वशिक्षा अभियान के कुछ संविदा कर्मी आ जाएं और उसके ऊपर निर्णय हो जाए, केवल ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक नीतिगत फैसला लिया जाता है। जैसे एक बात मैंने इनका आज का मांग पत्र देखा, उसमें एनआरएचएम से जुड़ी हुई बातें हैं कि उन्हें कुछ को निष्कासित कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया कुछ की सर्विसेज को। जो लोग टेक्निकली क्वालिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को काम के प्रति, मतलब जनता को सेवा देने में जो लोग सक्षम नहीं पाए गए, उन्हें टर्मिनेट पहले किया जाता था, अब तो वो भी नहीं किया जाता, अब तो ट्रेन करके उन्हें वापस रीस्टेट किया जाता है। विकास जी कि जो सेवा से आपने हटा दिए हैं उनको वापस, वाजपेयी सही है। देखिए मैं आपके पास जो योजनाएं बंद हो गई हैं तो कर्मचारियों का क्या दोष, क्योंकि वो ओवर एज हो गए, एक लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी, आज जो वो रहता है सेवा काल, उस सेवा काल के दौरान अगर योजना बंद हो जाती है और उनको हटा दिया जाता है तो इस कंडीशन में उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा और क्या उसके लिए शासन ने विचार किया? ये अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 12 बार से ऊपर हो गया है शासन करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं योजनाओं में तो ध्यान रखना चाहिए ना जनता की। वाजपेयी जी देखिए कई योजनाएं, जैसे स्वशिक्षा अभियान है, टाइम बाउंड योजना होगी ना, एक प्रोजेक्ट है, शिक्षा विभाग है, वो निरंतर होना है, एक एनआरएचएम जैसे है, नहीं योजना है, नहीं, कुछ नहीं, समय के लिए वो प्रोजेक्ट लाया गया है, उसके लिए लोगों को इंगेज किया जाता था, फिर भी सरकार ने इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखा है। मतलब सरकार का फर्ज है, कर्तव्य है हमारा तो ना, सरकार में होने के कारण कि सबको भली भांति स्टेब्लिश करें, और सरकार वो प्रयास कर रही है, एक एक करके हम उन पे निर्णय लेते जा रहे हैं। और वाजपेयी जी से भी हमारा अनुरोध है कि आपके संबंध में भी बिल्कुल विकास जी, वाजपेयी जी से उचित निर्णय होगा, आपको बता दी है जी, उनके मांग पत्र नहीं, अरे नीति के सिवा भी एक व्यक्ति भी होगा तो उसके अधिकार, उसके विकास, उसके एस्टेब्लिशमेंट पे पूर्ण ध्यान दिया जाएगा, उसमें गिनती का सवाल नहीं कि संख्या लगने वाली है। खैर जफर जी के पास चलते हैं, जफर जी विपक्ष जो काम अभी छूटे अगली बार सरकार बनाएंगे तब भी तो पूरे हम करेंगे। जफर जी विपक्ष होने के नाते आपका क्या कहना है? हालांकि जो विपक्ष में होता है तो सभी बोलता है कि मैं सारे काम पूरे कर दूंगा, थोड़ा सा आपको भी याद दिला दूं कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो तो दिग्विजय सिंह ने एक साथ सबको निकाल दिया था, 28,000 थे सरकारी कर्मचारी थे, 28,000 आप ये 182,000 है साहब। मैं आ रहा हूँ, मैं सही जी जी देखिए आपको हटाया था वो 28,000 थे। देखिए त्रिपाठी जी जी, ये जो आज आप एक मिनट जफर जी, दो तीन दर्शक मैं पूरी कर लूँ फिर दर्शक बेचारे फोन में होल्ड कर रहे हैं। हरियाणा चंद्र प्रकाश जी सवाल सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्ते जी। नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने भी अपने जमाने में हड़तालें करी थी जी। हमारे जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा सरकार से रेलवे से अगर 10 मांगे रखते थे तो अगर 5 मांगे सरकार ने स्वीकार कर ली तो उसमें बात बढ़ जाती थी।
परंतु मैं वाजपेयी जी आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं कि हम जो है ना सरकार बदल देंगे, एक कर्मचारी बेचारा अपने घर को देखता है, अपने परिवार को देखता है, उसने अपने परिवार को पालना है, एडॉप बेस पर या तदर्थ जिसे कहते हैं, वो एक तरह से दया के आधार पर होते हैं सरकार के, चाहे वो सेंटर में हो चाहे राज्य सरकार में हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 10 में से 5 मांगे अगर स्वीकार कर ली जाती हैं तो बात बन जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था, चलिए चलिए देने से काम नहीं बनता। चलिए चंद्रा जी, आपने अच्छा सजेशन दिया वाजपेयी जी को। एक सेवाराम जी है दुर्ग से, सेवाराम जी सवाल सवाल करें। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा सवाल श्री सैयद जाफर जी से है जी। क्या कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं को शामिल करेगी? दूसरी बात, कौन सी योजना? क्या मुफ्त की योजनाओं को, मुफ्त में अनाज बांटना, मुफ्त में चावल बांटना जी, ये शामिल करेगी? दूसरी बात, क्या पिछले चुनावी घोषणा पत्र का अवलोकन करके उन्हीं मुद्दों को भी दोबारा शामिल करने के अलावा अभी आपके पास और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप सत्ता के निकट आ सकते हैं, और सरकारी कर्मचारियों के लिए आपके पास क्या जुड़े हैं सर? चलिए बिल्कुल सेवा जफर जी आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन जाबरा से एक और दर्शक है, मुरलीधर जी स्वागत सवाल करें। सर नमस्कार, कुशीपति जी मैं नमस्कार जावरा से बोल रहा था जी। सर मेरा इनको विकास जी से निवेदन था जी। सर सभी कर्मचारियों को शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ दिया है जी। सर चौकीदार एक ऐसा व्यक्ति है जो गांव की चौकीदारी करता, सारे गांव में व्यस्त रहता है, चाहे वो निर्वाचन का कार्य हो या कोई सा भी कार्य हो। चौकीदार जी सर, तो चौकीदार को ये वेतन सबसे कम क्यों दिया जाता है? चलिए विकास जी, एक और संघ आ रहा है आपके सामने, चौकीदार संघ भी एक आ रहा है। ये तो अभी तो आप इधर संविदा कर्मचारी संघ से नहीं निपट पाए, चौकीदार संघ एक और आएगा आपके सामने। एक और दर्शक है, राकेश परिहार है जाबरा से ही। राकेश जी स्वागत सवाल करें। सर नमस्कार सर जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से बोलना चाहता हूँ सर, आपसे पूछना चाहता हूँ। जल्दी बोले जल्दी। सर मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से बोलना चाहता हूँ कि सर क्या सबका साथ सबका विकास के दायरे में संविदा कर्मचारी नहीं आते हैं क्या? चलिए सबका साथ सबका विकास के दायरे में संविदा कर्मचारी नहीं आते हैं, विकास जी आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन जफर जी आते पहले कहा नहीं आपसे आ रहे हैं, जफर जी से पहले सवाल किया था सेवाराम उत्तर दे दे, फिर मेरा भी उत्तर दे दीजिएगा। नहीं पहले मैं अपनी बात कर देता हूँ, जो आपने डिबेट का विषय रखा है बहुत ही गंभीर विषय है जी। और देखिए मैं बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य बना हूँ जी। संविदा कर्मचारी के मसले पर यह भाजपा या कांग्रेस का ट्रेंड नहीं होना चाहिए जी। संविदा कर्मचारी हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको पूरी तरीके से उसको पोषित होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कर्मचारी वर्ग पोषित नहीं होगा तब तक की शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं मिल पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, संविदा कर्मचारी के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है, संविदा कर्मचारी का हर साल रिवेन्यू होता है, उनकी जो संविदा अवधि होती है हर साल बढ़ाई जाती है, और जी हर साल किया जाता है, एक उनको डर बना रहता है कि हमको कभी बढ़ाया जाता है, नंबर वन। नंबर टू बिल्कुल मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूं, आपको सुनते जाइए आप। तीसरी चीज, हमारे यहां पे आज की डेट में 40,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को अलग अलग विभाग से बिना किसी वजह से निकाल दिया गया, और उनके टैलेंट, उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो वेपन के माध्यम से हुई थी, उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो उच्च स्तरीय स्तर से हुई थी, वो अगर लायक थे इसलिए उनको रखा गया, और 10 साल नौकरी करने के बाद उनको निकाल दिया गया, जैसे एनआरएचएम में निकाल दिया गया, मलेरिया विभाग में आज की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू फैलता है, और प्राइवेट एजेंसी से आप काम कराते हो उनसे अधिक पैसा देकर आप करोड़ रुपया देते हो, और लेकिन उनको आपने नौकरी से निकाल दिया, उनका भविष्य चौपट हो गया। एक तभी एक ऐसा भी मामला आया है कि एक व्यक्ति अपंग है, उसकी बीवी अपंग है, दोनों संविदा में काम कर रहे हैं और दोनों को आपने निकाल दिया, कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले रहा है, जिसके दस्तावेज मैं जल्द ही मीडिया के सामने रखूंगा। अब मैं आता हूं कि देखिए संविदा के मामले में बार बार देखिए सवाल आज ये आक्रोशित क्यों हो रहे हैं, यह समझने की बड़ी बात है। क्या हुआ कि बार बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संविदा एक अभिशाप है, पूरे प्रदेश में एक उम्मीद की किरण जाग गई कि ये जो अपने आप को बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री बनते हैं वो संविदा को नियमित करेंगे। अब मैं नियमित से भी हटके एक बड़ी चीज पे लेके आता हूं, इनका कोई एचआर पॉलिसी नहीं है। आज आप कहते हैं कि हम मजदूरों के लिए संबल योजना लेके आए, इनकी मृत्यु पूरा करने दीजिए, बिल्कुल एक मिनट लंबा बोलेंगे तो बीच में छोटा अकेले सुनने के लिए, ये
अकेले बीजेपी सरकार की समस्या नहीं, आपकी सरकार रही है तो भी यही करती रही है। मैं, इस बात को ध्यान में रख के आप बोलिए। मैं बिल्कुल, मैं जवाबदारी से बात कह रहा हूं, और मैं इस बात को लेकर कमलनाथ जी से हमारा और जितने भी संगठन है उनकी बातचीत हुई, और उस मीटिंग में मैं रहा हूं। मैं बड़ी जवाबदारी से कहता हूं कि आज जो मैं कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और अगर ये बात कांग्रेस अगर लाइन से हटेगी तो कांग्रेस ये ऐसा गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती। इस पूरे मामले में संविदा के मामले में कांग्रेस पूरी गंभीर है, और कांग्रेस को मालूम है कि संविदा कमजोर अच्छा, हमको बोले बीजेपी विकास भाई कांग्रेस में आइए, भोपाल में आइए, शहडोल में आइए, उमरिया में आइए, रुकिए नहीं क्यों भाई, कांग्रेस लाइन के अलग है जो लोग आज सुन रहे हैं संविदा कर्मचारी, मुझे बोलने दीजिए आप विकास जी, विकास जी उनके बोल लेने हम आपका उत्तर ले लेंगे। आज संबल योजना के माध्यम से आप जनता को 2,00,000 रुपए मृत्यु देने की बात करते हैं, आप संविदा कर्मचारी की मृत्यु पर 2,000 रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों इनके परिवार को आप अनुकंपा नियुक्ति देने की बात क्यों नहीं करते? और आज दो बड़े सवाल हैं। एक पहला सवाल ये कि संविदा कर्मचारियों को जो इन्होंने निकाला है मुख्यमंत्री जी को उनको वापस लाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस सरकार आने पर उन्हें वापस लाएगी। नंबर वन, चलिए ये घोषणा की आपने जी, ये कमलनाथ जी ने आज कहा है जो संविदा कर्मचारी के जो आज उनकी तरफ से भी बिल्कुल उन्होंने कहा है कमलनाथ जी ने आज जो संविदा कर्मचारी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया था उन्हें वहां पे आमंत्रण दिया था, उन्होंने बड़ी जवाबदारी से कहा है कि मुझे संविदा शब्द से नफरत है और मैं संविदा कल्चर को समाप्त करूंगा, और हमारी सरकार आने पर हम संविदा कर्मचारी को जिंदगी भर संविदा कर्मचारी नहीं बने रहने देंगे, उनके लिए हम योजना को लेकर आएंगे। अब देखिए मैं और बड़ी चीज आपको बताता हूं कि जो पूरे विभाग हैं इन्होंने हर विभाग में अलग अलग तरीके से योजना बनाकर कई बार गुमराह किया। पंचायत सचिव के सातवां वेतन देने की लंबा हो रहा है, अंत कर रहा हूं मैं, ग्राम पंचायत के सचिवों को इनने सातवां वेतनमान देने की बात की, सातवां वेतनमान तो बहुत दूर की बात हो गई, आज की तारीख में मेरे पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो इन्होंने छठा वेतन में जो इनको पैसा दे रहा था उसमें से 2,000 रुपए कम करके इस सचिव को पैसा दे रहे हैं। ये नया विमंडन मध्यप्रदेश में घोटाला शुरू हुआ है। उसके बाद हम रोजगार सहायक की बात करते हैं, नहीं रोजगार सहायक में भी आ जाते हैं। अच्छा चलिए ओके, एक एक करके थोड़ा जी, 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 जी। बीच में श्रीवास्तव जी की टिप्पणी आती रही जी, 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 जी। उनको सोने न दिया जाए इस कारण उसकी टिप्पणी ले ले। हमारे साथ एक दर्शक है इंदौर से, ओम यादव जी सवाल सवाल करें। सर मैं एक शोषित संविदा कर्मचारी हूँ और मेरी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 15 साल तक आपने शासन किया और फिर भी क्यों नहीं आप संविदा कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं कर पा रहे? उसके विपरीत इन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के 487 कर्मचारी उनको इन्होंने नियमित करने के लिए नीति बना ली, और जो 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई आज तक। चलिए चलिए बिल्कुल, ये आप उनके प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे साथ, विकास जी उनसे उत्तर लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ बैतूल से हरिशंकर प्रजापति जी सवाल सवाल करें। जी सर, मैं अभी विकास जी ने अभी बोला था कि अप्रेजल के नाम पर क्वालिफाई नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो मुझे एक बात बताएं, 2-4 लोग चपरासियों को बिठाकर अप्रेजल लिया था, और चपरासी क्या क्वालिफाई जानते हैं कि कैसे किया जाता है लोगों को? ये बड़ा मामला है। कैसे कैसे? 4 लोगों की कमेटी बनाकर 4 लोगों को बिठा दिया कि इन लोगों का अप्रेजल लेना है, आपको परीक्षा लेनी है। चपरासियों को बिठाकर हम लोगों का अप्रेजल लिया गया था, उसमें हम लोगों को कैंसिल कर दिया, और आज 10 साल हम लोगों को सेवा करते हुए आज परिवार को रोड पे खड़ा कर दिया हमारी। अब बताए कहाँ जाए, भूखो मरे या शिवराज सिंह के घर पे जाके भीख मांगे? चलिए चलिए, अब ये तो अलग मुद्दा है श्रीवास्तव जी, आपके अप्रेजल के बाद है, ये अलग मुद्दा है। हम आप ही पास विकास जी दिया है, क्वालिफाई नहीं किया जा रहा, उन्हें ट्रेनिंग का मौका दिया जा रहा। नहीं आपको नहीं मालूम, नहीं मालूम विकास जी, इनको नौकरी से निकाल दिया, नहीं मालूम। हाँ आप स्वीकार करो, आप स्वीकार करो, हमें बताएंगे बिल्कुल क्या मालूम क्या नहीं। बिल्कुल संविदा कर्मचारी को जिनको निकाला गया उन्हें कोई मौका नहीं दिया, ऐसे चर्चा और कैसे होती है? आप झूठ बोल रहे हो आप। नहीं चलिए श्रीवास्तव जी, मैं एक मिनट, श्रीवास्तव जी की टिप्पणी आ जाए इस पूरे मुद्दे पे। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जाएंगे सज्जन आपको जो बिल्कुल मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध। चले चले जफर जी, एक एक करके दें तो सभी आरोप मौजूद बिल्कुल। चले लेकिन कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के दोस्त नहीं थे जो अब संवेदनशील हो रहा है? कर्मचारी के बारे में बात करो, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह से मध्यप्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। विकास जी आप इस पे आइए, संविदा कर्मचारी का भागिए मत, जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बोलिए कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमने तो भागिए मत,
भाग रहे हो आप इस मुद्दे पर। चलिए चलिए चलिए, आप भाग रहे हैं उस मुद्दे पर, आपको जवाब नहीं है आपके पास। हम नहीं भाग रहे हैं बिल्कुल। चलिए चलिए, विकास जी बात से उत्तर ले लेंगे। इन्होंने जो कहा है, जो जफर जी ने जो बातें कही है, शराबे से गलत चीज सही नहीं हो जाएगी। विकास जी आप जवाब दीजिए, विकास जी आप आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। जफर जी उनका जवाब ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रोमो में बता दिया गया, हमें बताने की तो जरूरत ही नहीं। श्रीवास्तव जी की नींद खुल गई है। विकास जी उनकी टिप्पणी ले जी, एक मिनट बात कीजिए जी। त्रिपाठी जी, बात जो है संविदा कर्मियों की है, और मध्य प्रदेश सरकार जो है जी, जिस तरह का आज आंदोलन है, 182,000 आंदोलन तो बहुत जबरदस्त था, रैली बहुत लंबी, उसको देखते हुए 182,000 संविदा कर्मी मध्य प्रदेश में है जी। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है कर्मचारियों का जी। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में जिस तरह से शिक्षा कर्मियों का उनको अध्यापक संवर्ग से उन्होंने जो संविलियन किया, नियमितीकरण की प्रक्रिया की, इसी तरह से जो पंचायत के सचिवों का भी उन्होंने किया, तो निश्चित रूप से ऐसा संविदा कर्मी भी इस आशा में थे। बच्चे पांच खड़े होते हैं, दो को बिस्कुट दे दो, तीन को ना दो, तो ज्यादा नाराज़ उनका उनका भी एक तरह से जो है, उनको भी सरकार से अपेक्षा थी कि सरकार उनके बारे में सोचेगी। एक दूसरी बात यह है कि आपने कहा ना कि वो स्किल्ड नहीं है, या वो जो है जो लोग रखे गए हैं वो पात्र नहीं है, तो पहले रखा क्यों आपने? अगर उनकी योग्यता नहीं थी तो उनको रखा क्यों? और यदि रखा है तो इसका मतलब कि योग्यता कहीं ना कहीं तो उनकी होगी। अब डॉक्टर संविदा पर रखते हैं, उसकी योग्यता नहीं है, MBBS नहीं है, तो डॉक्टर कैसे कैसे रख लिया आपने डॉक्टर के पास? सबसे बड़ी बात है। उसी तरह से इंजीनियर हमारे साथी बैठे हैं, बिल्कुल विकास जी आप ही के पास हमारे साथी बैठे हैं, इंजीनियर हैं, सर्व शिक्षा अभियान में इनको इंजीनियर का पद मिला हुआ है जी। इनको संविदा पर रखा जी। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भी परियोजनाएं सरकार चलाती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे लेकिन श्रीवास्तव जी ये 20 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी जब इनको संविदा में रखा गया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी कभी भी कोई परियोजना बनती है, आप देखिए फर्स्ट हैंड में लोग संविदा में तात्कालिक व्यवस्था के लिए रखते हैं जी। लेकिन ये प्रक्रिया अगर 10 साल 20 साल 25 साल तक अगर वो संविदा कर्मी के रूप में है और उनको हटा दिया जाएगा या वो विभाग ही समाप्त हो जाएगा, तो जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा सवाल है जी। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा जो है समय, कीमती समय आपकी सेवा में समर्पित किया जी। अब उसके बाद वो सड़क पे आ गए तो उनके लिए तो संकट खड़ा होता है। सरकार को उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक नियमितीकरण का सवाल है, अगर 10 साल 15 साल 20 साल अगर कोई सेवा देता है तो निश्चित रूप से सरकार को बारे में सोचना चाहिए जी। और उन्हें एक जो है उनको भी एक तरह से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका भरोसा जो है सरकार पर टिका रहे और वो समाज में अच्छी जिंदगी जी सके। कल के रोज जो है आने वाले समय में उनके परिवार बढ़ता है, तमाम उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, भाई बहन तमाम लोग होते हैं, और उनकी उनकी सेवा अगर चली जाती है तो उनको किस तरह से भरण पोषण करेंगे? क्या सरकार उनके लिए कोई नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है? अगर कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है तो ऐसी दशा में सरकार के विरुद्ध इन लोगों के आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। चूंकि ये चुनावी वर्ष है, ये भी जानते हैं कि सरकार किसी न किसी तरह से आंदोलन के दबाव में इनकी मांगे पूरा करेगी। और जहां तक इनकी संख्या का सवाल है, लगभग 182,000 उन्होंने गिनती दे दी, 182,000 परिवार सहित, 10 लाख मित्रों सहित, 25 लाख। हाँ, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। निश्चित रूप से सरकार को अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, और इसीलिए जफर जी प्रसन्न हो रहे, 25 तो आए हमारी तरफ। नहीं नहीं, सवाल वोटों का नहीं। जी जी, वाजपेयी जी आप कुछ कह रहे थे, मंदसौर से दर्शक है हमारे साथ। त्रिपाठी जी, पहले तो अरविंद जी सवाल करें, एक मिनट वाजपेयी जी, अरविंद जी सवाल करें। हाँ सर, मैं मेरा ये सवाल है सर जी कि इस अपने राज्य सरकार ने 52 योजना जरूर चला रखी है जी। हर किसान को बराबर कितने का उनको भाव मिल सके किसी भी फसल का, तो संविदा कर्मचारी भी एक किसान की तरह है। आप इतना लंबा विश्लेषण क्यों कर रहे हैं भाई? आप सीधे सीधे बोलिए, संविदा कर्मचारियों को आप भावांतर से कहाँ जोड़ रहे हैं? सर, संविदा कर्मचारी भी एक किसान की तरह है, वो शासन की सारी योजनाओं को मतलब पोषित करता है सर। चलिए, और उनको परमानेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही आपका सवाल आ गया है। अरे वाजपेयी जी कुछ कह रहे थे आप, फिर हम पहले तो मैं त्रिपाठी ये बोलना चाह रहा था जी कि सरकार को कोई ये धमकी नहीं दे रहा है कि बदल लेंगे। हम अपनी वेदना जो है वो विभिन्न माध्यमों से दिखाया है। वो आपके मित्र लोग नहीं है क्या, संविदा कर्मचारी नहीं जिनकी हमने बाइट दिखाई है?
नहीं उसमें बदल उनकी वेदना वो वेदना हम अपनी वेदना को उन तक पहुंचा रहे। अगर हम लोग पिछले ऐसे 8 तारीख को किया था मुख्यमंत्री का अभिनंदन के लिए 70 लीटर ब्लड संचय करके रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कुछ घोषणा करते हैं कुछ भी चीज करते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी जैसे अभी किसी ने बोला था कि पिछले 3 महीने से पहले उन्होंने ही किसी चैनल में उनकी बाइट में बोला है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, तो अब हम यही चाहते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है तो कुछ आप हमारे बारे में सोचिए और हमारे लिए, और नहीं सोच पा रहे नहीं वहां से कुछ हो पा रहा है इसलिए हम बार बार कोई ना कोई कदम उठा रहे हैं इस चीज के, हमारी आवाज उन तक पहुंचे और वो इस पर कोई निर्णय ले कोई डिसीजन ले जी। और इस प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज चुनाव ड्यूटी हो या कोई भी हो जो महत्वपूर्ण ड्यूटियां रहती हैं उन सब में संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है और वो बहुत ढंग से निभाते पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम निष्ठा से निभाते हैं तो ये उनका हक बनता है। जो रेगुलर होते हैं नहीं निभाते क्या? रेगुलर वाले भी निभाते हैं लेकिन संविदा कर्मचारी से आप करते हो कि वो जितना काम कर रहा है आप देख लीजिए संविदा व्यवस्था कितनी है और कितने काम कर रहे हैं और क्या क्या काम किए उन लोगों ने। जी जी आप सर्वे करेंगे तो आपके सामने सामने आएगा। यही कहना चाह रहे थे आप। महत्वपूर्ण तीन प्रमुख बात बता दीजिए आप। तीन प्रमुख बात तो पहली हमारी यही है कि जिस प्रकार से जन अभियान परिषद को नियमित करने के आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि वो भी संविदा पे थे और उनको आप अपना बताइए और नियमित किया जाए। वही मैं बता रहा हूँ, बता रहे हैं तो हमारा आधार ये रखना है। जो दूसरे संविदा कर्मचारी हैं जो वर्ग है उसको नाराजगी का कारण ये है कि उनको उस रूप में नहीं देखा जा रहा। जब आप उनके लिए पॉलिसी ला सकते हो तो हमारे लिए भी लेके आइए, कोई तो नीति बनाइए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। अभियान परिषद वालों को भी नहीं करना था, जन अभियान परिषद वालों को किया बहुत अच्छा, उन लोगों को बहुत बधाई, पर उसी तर्ज पे हम लोगों के बारे में भी सोचा और उसकी कोई नीति लेके आए। दूसरी और जो संविदा कर्मचारी जिनको विभिन्न योजनाएं बंद कर दी गई निकाल दी गए तो उनके बारे में भी कष्ट को भी वापस लेके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 उनको एक नीति भी लागू की थी कैबिनेट में गई थी और पास हो गई थी और उसके बाद भी अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या कैबिनेट में क्या हुआ था? कैबिनेट में निर्णय हुआ था कि हमें कुछ पॉलिसी बनी थी और उन्हें इसमें यह बना था कि जो संविदा कर्मचारी है जो नियमित पद की वैकेंसी निकलेगी उसमें 30% लोग संविदा के कोटा होगा, 20% कोटा होगा और अभी तक करीब 5-7 वैकेंसी निकल गई है, कोई कोटा नहीं आया, इनको बेवकूफ बनाया। चलिए तीसरी और बात जी, तीसरा यही है कि हमारे लिए नियमितकरण की कोई पॉलिसी आई जाए, बस हमारा ये 62 साल भी है कुछ किसका आपने लिखा है उसमें अपने मांग पत्र में कि 62 साल उम्र की जाए रिटायरमेंट। नहीं जब नियमितीकरण पॉलिसी अगर आ जाती है हमारे पास तो हमारा सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाती है। आज विकास हो गया तो कुछ एक दर्शक है सचिन है सागर से, सचिन सवाल सवाल करें। बीजेपी के विकास जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी जी की मध्य प्रदेश बिजली विभाग में दिग्विजय सिंह सरकार ने कांग्रेस सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाई थी किंतु मध्य प्रदेश शासन अनुकंपा नियुक्ति में मौतों का बंटवारा कर दिया है। मतलब यानी 2012 से सभी को नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति देंगे और सन 2000 से 2012 को सिर्फ जो बिजली दुर्घटना में हुए हों उन्हीं को देंगे, ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जबकि अगर किसी कर्मचारी को अटैक आ जाता है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहे, एक ऐसी नीति बनाई है शासन ने। विकास जी आप अगर न समझे तो मैं बता दूं, उनका कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति तो दिग्विजय सिंह शासनकाल में हो गई थी लेकिन आपने मौतों का भी बंटवारा कर दिया, जो करंट से उस समय मरेगा उसी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, हार्ट अटैक से मर गया किसी और कारणों से मर गया तो उसके बच्चों को नहीं मिलेगी, जो मैं समझ रहा हूँ जी। ये त्रिपाठी जी दूसरा एक और दर्शक लगा है लाइन में, नरसिंहपुर से रेखा जी सवाल करना चाह रही है, वो भी विकास जी से। रेखा जी सवाल करें। मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ महिला बाल विकास में संविदा पर्यवेक्षक को, हम लोग करीब 10 साल से संविदा पर्यवेक्षक पद पे हैं सर, आप बताइए सर मेरे को 13,912 पेमेंट मिलता है वेतन मिलता है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता को 1,500 रुपए कर दिया है शासन ने, अब आप बताइए मेरी उम्र 50 साल की होने जा रही है क्या मैं परीक्षा देने लायक हूँ? जी भोपाल से कौन दर्शक है? शिवांशु जी सवाल सवाल करें। मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में CWSN छात्रावास चलाए जा रहे हैं जिसमें कर्मचारियों को रखा गया है, ये योजना 2006 से चालू है लेकिन आज दिनांक तक नहीं इनको संविदा पर रखा गया है, मतलब रखा तो संविदा पर है और मात्र वेतन दिया जा रहा है 8,000, तो क्या सरकार की क्या योजना है? और चलिए विकास जी गंभीर है, रेखा जी का भी सवाल गंभीर है कि 50 साल उम्र हो गई है वो परीक्षा देने कहाँ जाएंगी।
नहीं रेखा जी, जब नीति बन रही है तो रेखा जी का जो सुझाव है उस पर भी विचार किया गया है, कल फिर दोबारा पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन नहीं नहीं त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है, सरकार निरंतर है, हंसने से काम नहीं चलेगा। हमें मालूम है दिग्विजय सिंह जी ने कैसी जवाब दूंगा कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, बोलिए, हमारी तो बोलती बंद ही है, क्योंकि आपको तो आरोपी लगाना है अनर्गल, आपने किया कुछ और। मैं जो राजनीतिक बात है वो एक बार में लाइन में कह देता हूँ, दोबारा पुनः नहीं कहूंगा, अगर आप बार बार उसी बात पे नहीं विवाद करेंगे। आपने राजनीतिक रूप से अच्छे निर्णय नहीं लिए, तब आप जब सरकार में थे आप अच्छे निर्णय ले सकते थे, जो आज इच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन आप नहीं लेते गए और आज आप हम पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, रेखा जी ने बात कही, देखिए कभी भी मैं दूसरी बात कहता हूं, जैसा श्रीवास्तव जी कह रहे थे, एक डॉक्टर संविदा पे नियुक्त होता है, वो नियमित क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब आपको पता है जब डॉक्टर का परमानेंट अपॉइंटमेंट होना है तो मेरे ख्याल से पीएससी क्लेरिफिकेशन लगता है। एक मान लीजिए वाजपेयी जी हैं आज सर्व शिक्षा अभियान में, मध्य प्रदेश में पीएससी से अभी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो रही, नहीं हो नहीं रही, प्रक्रिया तो चल रही है, प्रक्रिया तो चल रही है, प्रक्रिया बात नहीं। देखिए इसलिए क्या होता है शासन में, मान लीजिए अगर किसी लंबी प्रक्रिया के कारण कोई कार्य बाधित हो रहा हो तो उस वक्त एक शॉर्ट कम रूट निकाला जाता है कि भाई आप उसे एडॉप्ट पे तब संविदा पे रख लीजिए। अब वाजपेयी जी है जैसे वाजपेयी जी ने आपका, देखिए हमारा आपके साथ पूरा सहयोग का आश्वासन सदा से है। आज जन शिक्षा अभियान की टीम 487 लोग जन अभियान परिषद की आ गई है, कल को सर्व शिक्षा अभियान के साथ भी बेहतर हो सकता है, एक एक करके होगा ना, हर विभाग का अलग करिए, साथ तो नहीं होगा ना। मैं दूसरी बात लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन विकास को भी समझिए, वाजपेयी जी जब आपने 12,000 रुपए में एज ए इंजीनियर सर्व शिक्षा अभियान में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसी वक्त L&T कंपनी में, ECC कंस्ट्रक्शन कंपनी में, उसी वक्त टेलको में, टाटा स्टील में कुछ इंजीनियर ज्वाइन किए होंगे। एक मिनट, जबर से आपके हाथ हिलाने से नहीं होगा, आप आपकी बात कहिएगा। वाजपेयी जी एक बात बताइए, सरकार जब कदम उठाने जाती है बिना कोई नीति के या बिना जनमानस के करने जाएगी, तो उस वक्त उन लोगों का रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा कि हम तो साहब हजार नहीं, हम तो लाखों थे जो इधर उधर प्राइवेट कंपनी में गए, क्योंकि वो टेम्पररी जॉब तो हो रहा था, हमने कहा कॉन्ट्रेक्चुअल वहां क्यों ज्वाइन करें, प्राइवेट कंपनी में हम स्टैंड करते हैं। आप कहाँ भी पढ़वाएं, त्रिपाठी जी सिंपल सी बात है, टेलको और इन सब की बात कहाँ आ रही है? नहीं इसलिए आ रही है, फर्क ये पड़ता है कि एक नीति के तहत होता है ना। अब रेखा जी ने क्या कहा साहब, कोई एग्जाम के माध्यम से हमें क्यों किया जा रहा है? अरे भाई बे एग्जाम के कर देंगे तो कल भी आरोप उठेंगे कि आपने वही काम कर दिया, चपरासी होता था, चपरासियों ने उनका इंटरव्यू कर लिया बता रहे हैं। नहीं नहीं अप्रेजल हो सकता है क्या? अप्रेजल अगर ऐसा होता तो वो तभी खड़े नहीं हो जाते श्रीमान जो बोल रहे हैं। देखिए अतिशोक्ति कहना वो भी गलत है, और कई बार वाजपेयी जी आपके समूह में से अगर कोई अतिशोक्ति बयान जाएगा तो वो भी जनमानस को आपसे भी दूर हटाएगा और सरकार भी आपके पक्ष में तब फैसला लेने में दिक्कत महसूस करेगी ना, क्योंकि बाकी का जो लोग संविदा के माध्यम से संविदा पे काम करने सरकार में नहीं गए, अब वो नहीं कहेंगे क्या कि अगर तब नियमित करने का वास्ता होता या प्रोग्राम होता तो हम भी संविदा पे चले जाते। तो मतलब आपका आप इस बात को भी समझिए ना, आप संविदा में जो सरकार ने कहा गया, वाजपेयी जी से सुन तो लीजिए टेक्निकल बात वो बोलेंगे ना। अप्रेजल के विरोध में ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग काफी लंबी हड़ताल कर चुका है, 42 दिन की हड़ताल की है, विषय अलग है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में और ये तो कोर्ट ने कह दिया क्या कि विदाउट अप्रेजल कर दीजिए आपको वापस, विदाउट अप्रेजल कर दीजिए, कोर्ट ने कह दिया 2011 और 2016 में जिन लोगों को निकाला गया हाई कोर्ट ने कहा कि इनको वापस रखो, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 11 महीने के कारण जफर जी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि साहब आपकी नियुक्ति तो 11 महीने के लिए थी, 2 महीने कोर्ट ने कहा रखो, ऐसे कई सर्व शिक्षा अभियान में हम रखे जो महिला बाल विकास की ईसी बनी हुई करना चाहते हैं, कहा कि इनको नौकरी रखो, उसके बाद आप न्यायालय के अवले ना करिए,
अच्छा न्यायालय की अवहेलना की तो जफर जी आप नहीं चलेगा कंटेंप्ट में? बिल्कुल कंटेंप्ट में गए, आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी, चिंता मत करिए। आएगा नहीं कांग्रेस का मैं खासा व्यवहार इस बात पे तब करनी को बीच में फंस गए हैं सर। वाजपेयी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कोई भी संविधान व्यवस्था जब भी लागू की गई थी उसके बाद काफी लंबे समय हो गया है इसको, और हर जगह हर विभाग को इतना पर्याप्त समय मिल चुका है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाया था। नहीं विकास जी मैं कहना है संविधान समय के लिए आपको जब नियुक्ति हुई था, जब नियुक्ति हुई थी वाजपेयी जी तो सेवा सभी आपके 1.5 लाख का प्रश्न तो है ही है, लेकिन प्रदेश की 7 करोड़ जनता को भी सही स्थिति का पता लगना चाहिए ना, वो भी तो प्रश्न है कि देखिए एक मिनट को, अगर आज हम नियमित करते हैं, मदद आपकी हम करना चाहते हैं, करेंगे, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब 7 करोड़ लोगों को भी तो भान होना चाहिए कि इनके साथ न्याय किया गया लेकिन हमारे ऊपर भी टैक्स बर्डन एक्स्ट्रा नहीं होगा इसका। लेकिन विकास जी अगर संविदा शिक्षकों के लिए भी तो ऐसा था, इनके साथ क्यों है? नहीं कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी, हमने क्या कहा, नीति हम यही बना रहे हैं परिवार की करना चाहिए बेटे, जो वाजपेयी जी को मिल रहा है और दो वाजपेयी जी के जो बात है उससे कोई नीतिगत रूप से डिफरेंस नहीं कर जवाब देता हूं, लेकिन ऐसा माहौल भी बनाना वाजपेयी जी को उसमें भी तो सहयोग करना। देखिए रेखा जी की पीड़ा क्या है, रेखा जी की पीड़ा यह है कि इन्होंने वेपम के माध्यम से 10 साल पहले 15 साल पहले परीक्षा दी और व्यापम में एक मिनट जफर भाई एक मिनट, व्यापम में उस वक्त नियुक्ति कितने वर्ष के लिए थी, कितने महीने के लिए थी, ये भी है वो व्यापम का जो व्यापम का जो जो आप ये भी बताइए, ये भी बताइए, अगर आप रखें तो पूरी बात रखें, पूरी बात अधूरी राम कथा ना बताएं। एक मिनट भाई मेरे, शासन ने जिस भी परीक्षा आयोजित की और अरे भाई तो परीक्षा नहीं लेगा ना, उनकी बात आने दीजिए ना। अरे सर त्रिपाठी बड़ी स्पेसिफिक, अगर टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी करना है वो भी सरकार सिगरेट की डिब्बी के पर्चे पे होगा। विकास जी सिगरेट की डिब्बी के पर्चे पे होगा, लीजिए आपको मजा आएगा, बेहतरीन काम कर रहा हूं मैं आपको। सिगरेट की पर्ची महिला बाल विकास की संविदा कर्मचारियों की जो 15 साल पहले 12 साल पहले 10 साल पहले नियुक्ति हुई उनको संविदा में रखा गया, उसके बाद आज उसी विभाग में नियमित पद के लिए उनसे फिर से परीक्षा की जा रही है, और जिन महिलाओं ने 12 साल पर्यवेक्षक में काम कर लिया उनको संविदा में रखा जा रहा है और नए लोगों को नियमित किया जा रहा है। आपने उनको नियमित क्यों नहीं किया? अब आप उनको नियमित कैसे करते हो? आप कहते हो कि हम 100 लोगों की वैकेंसी निकालेंगे, उसमें से 30 लोग जो है वो हम उन संविदा को लेंगे जिन्होंने पहले से काम कर रहे हैं। भाई सीधे सीधे नियमित क्यों नहीं कर रहे हो आप? एक बड़ी बात त्रिपाठी जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, स्कैंडल होता कर देंगे तो नए बेरोजगार पर एक बड़ा नहीं तो आप उनको संविदा में ले लीजिए ना, जो नए लोगों को संविदा में ले लीजिए। एक मिनट और बड़ा स्कैंडल, एक मिनट बड़ा स्कैंडल बता रहा हूं मैं आपको। अब आप कहते हो कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले कहा था कि हम संविदा कर्मचारी के विभिन्न विभागों के लोगों को नियमित करेंगे, इन्होंने फाइल भी चलाई, मैं इसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, उन्होंने फाइल भी चलाई, लेकिन इन्हीं के अधिकारी वर्ग ने, इन्हीं के मंत्रिपरिषद ने उसमें यह लगा दिया कि इसमें हम कोई आधार नहीं बना पा रहे हैं। बड़े भाई मुख्यमंत्री जी, जब आप आधार नहीं बना पा रहे हो तो आप जनता को जवाब दीजिए कि जन अभियान परिषद को आपने किस आधार से कर दिया? सिर्फ कैबिनेट के डिसीजन के आधार पर आपने उनको नियमित कर दिया, तो यही जो लोग कह रहे हैं कि आप अगर जन अभियान परिषद के लोगों को कैबिनेट के आधार पर नियमित कर सकते हो, जिनकी जिनसे ज्यादा बड़े बड़े लोग आज संविदा कर्मचारी बनकर बैठे, तो उसी आधार पर आप इनको भी नियमित की प्रक्रिया तो करो, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए विकास जी, बेहतर आपने बड़ा स्पेसिफिक, मैं जफर भाई के लिए भी कह रहा हूं, एक मिनट को देखिए, मान लीजिए उस व्यापम के एग्जाम में संविदा नियुक्ति के लिए 1000 लोग चयनित किए गए, रखे गए, एक मिनट को, है ना, संविदा था वो, बहुत सारे 10,000 लोगों ने वो इसलिए नहीं आवेदन किया कि वो संविदा की नियुक्ति थी, 11 महीने के लिए थी। आज क्या जफर भाई उन 10,000 लोगों का आप हक मारना चाहते हैं कि अब अगर नियमित, एक मिनट सुन लीजिए, नियमित पद आप नियमित करिए, आप नियमित पद नियमित जो पर्यवेक्षक काम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम उन लाखों लोगों का हक नहीं मारना चाहते जो आज नियमित पद के लिए आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। ये घुमा फिरा के बिल्कुल, अरे आप गुमराह कर रहे हो, नहीं तो आप कहो नहीं रखे और हटाए, आप तो आपको बताइए ना, आप तो आप बताइए ना, की शुरुआत एक एनजीओ के रूप में हुई थी, सर्वे माधवलाल
दवे जी ने करी थी, उसमें आपने कैसे कर दिया? उस वक्त जिनको आपने इंटरव्यू के आधार पर दिया उनको मेहनत कैसे कर दिया? वाजपेयी जी आपको वाजपेयी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आज भी जन अभियान परिषद की स्थिति सरकारी कर्मचारी की है या नहीं है? एफएम के माध्यम से किया, वाजपेयी जी बताइए आपकी नियत साफ नहीं है, आपकी शासकीय कर्मचारी का क्या है वहाँ पे ये बताइए आप क्या आधार है? बताइए ना आप उनको बोलने को दीजिए, हम तो कम समझते हैं। सरकारी नियमावली में प्रोविजन पीरियड भी रहता है 3 साल का, 3 साल में आदमी प्रोविजन पीरियड क्रॉस कर जाता है और रेगुलर उसमें आ जाता है, टीम में आ जाता है। ठीक है, हम लोग 15-20 साल परिषद के बारे में जो इन्होंने कहा क्या है? हाँ, सही है, हमने तो क्या है एग्जाम क्या है, क्या सरकार है, क्या 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 सही है? कर्मचारी नियमित कर्मचारी बन गए, एक मिनट भाई, वाजपेयी जी ये बताइए जन अभियान परिषद जाफर जी बोल रहे हैं, एक एनजीओ था उसमें इंटरव्यू के आधार पर लोग हुए थे, उनको नियमित कर दिया, ये बात सही है क्या? नियमित कर दिया, आदेश जारी कर दिए। और आप लोग किस माध्यम से आए थे? वेपम एग्जाम के माध्यम से आए, विधिवत प्रक्रिया, और वो बिना एग्जाम माध्यम वाले उनके इंटरव्यू लिए गए थे और इंटरव्यू लेके उन लोगों का सिलेक्शन किया गया था। लेकिन आपकी परीक्षा प्रणाली में उनकी परीक्षा में अंतर था, हमारा हमारा हम लोगों ने रिटन एग्जाम और प्लस इंटरव्यू भी दिया था। सवाल नहीं है, ये जाफर जी को मालूम है क्या वो एक एनजीओ था? वाजपेयी जी क्या एनजीओ था क्या जन अभियान परिषद? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, एनजीओ था या क्या था? माधवलाल जी ने की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और माधवलाल जी दवे उनके उसके उपाध्यक्ष। हमारी 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 पीड़ा ये है, मेन बेसिक बात ये है कि जन अभियान परिषद जिस नियम से हो गया नहीं है, स्वागत है उसका, उस नियम के अनुसार हम लोगों को भी नियमित किया जाए और उसको प्रक्रिया चालू की जाए, क्योंकि इतने सारे विभाग, इतनी सारी वो है योजना सारे के सारे, जैसे आप परीक्षकों को भी नियमित बताना चाह रहा हूँ, एनआरएलएम पूरे रूरल में कर रही है, स्वास्थ्य समूह वगैरह सबसे कोऑर्डिनेशन कर रही है, आप किसी भी फील्ड में देखेंगे संविदा कर्मचारी हर जगह कोऑर्डिनेट कर रहा है और जनता की हर स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए क्यों नहीं ऐसा सोचा जा रहा? एक और स्टेटमेंट बताऊं तो बैठ जाओ, 2 मिनट का, 1 मिनट समय देंगे। इन्होंने एनआरएचएम के अंदर लोगों को बाहर कर दिया और उनसे कम योग्यता वालों को राजस्थान में कैंपस जाके नौकरी ले आई, जिनको वेपम के माध्यम से नियुक्ति किया उनको बाहर कर दिया और उनसे कम योग्यता वालों को कैंपस के माध्यम से अंदर कर दिया, एक बात। दूसरी बात, एक देखो क्या होता है कई बार, तो संक्षेप में कर रहा हूं, विकास जी को उत्तर बीआरडीएफ योजना चली, बीआरडीएफ योजना में मान लिया जाए कि 50 इंजीनियर पूरे मध्यप्रदेश में फॉर एग्जांपल के तौर पे, उनको वो योजना बंद हो गई, तो जब वो योजना बंद हो गई तो उसमें से फिर उनका इंटरव्यू लिया, जो इंजीनियर ने 15 साल नौकरी कर ली उसका इंटरव्यू ले रहे हो आप, क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हो आप गलत तरीके से, उसका इंटरव्यू लेके आप 15 लोगों को एमपीडीआरसी जो प्रधानमंत्री होता है उसमें आपने डाल दिया, और जो 25 लोग हैं वो भी आज दर-दर घूम रहे हैं, उनको बुलाते हैं क्या आप इसमें जाओगे क्या? आप ये कौन सी नीति चला रहे हो जो आप पीछे के दरवाजे से लोगों के भ्रष्टाचार करके लोगों को नौकरी दे रहे हो, इसके सारे दस्तावेज आपको जल्द मिलेंगे। चलिए विकास जी का आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी स्पेसिफिक बात है त्रिपाठी जी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का व्यक्ति भी अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से प्रमोट होना चाहता है तो इंटरव्यू होता है, एक प्रक्रिया है जो बनी हुई वो तो फॉलो करना पड़ेगी, ये कोई सरकार के नीचे नहीं, कोई आरोप लगाएंगे, आपको चैलेंज करते हैं, अगर कोई घपला है तो आप कागज लाइए, कोर्ट भी खुला है और जनता की अदालत भी खुली है। उमा भारती जी से पूछ लीजिए, आपके पास कोर्ट का रास्ता भी है, आप कम खुदा कोर्ट में नहीं गए हैं, हर बार हारे हैं, गलत कागज लेके गए तो चले चले। विकास जी आपका उत्तर हो गया, मुझे नहीं मालूम क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ, सुन लीजिए आप, किसी के लिए गुड रेफरेंस लिखना, किसी के लिए गुड रेफरेंस लिखना क्या खराब है? आईएएस अवार्ड में सूची में नाम आना चाहिए, जो नहीं आया है गलत है, ये लिखा था उन्होंने। चलिए विकास जी, कुछ होगा उनने लिखा होगा, मुझे नहीं जानकारी, इसका क्या करना है, इससे इसका क्या करना है भाई? वो तो लेकिन उसका पैटर्न जो है, जो सिस्टम बना हुआ है वही फॉलो हुआ ना, नहीं हुआ, किसी को गलत तरीके से फॉलो किया गया। अच्छा, चिट्ठी से क्या सिस्टम हुआ? उमा भारती की चिट्ठी आने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया और उसको रिव्यू किया और कोर्ट में भी गया, कोर्ट के बाद भी रिव्यू किया। चलिए जफर जी, आपकी सरकार आ जाएगी, सब कुछ जाना पड़ा ना, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, कोर्ट जाना पड़ा ना, कोर्ट क्या है, जफर जी सिस्टम का अंग है, जो चिट्ठी सिस्टम का अंग है। चलिए विकास जी, एक मिनट, जफर जी आप जफर जी आ गए, आपको आ गए जी,
आपकी सरकार आएगी सबको नियमित कर देंगे बिल्कुल सब बिल्कुल बढ़िया कमलनाथ जी जाएगा। देखिए कमलनाथ जी ने आज वचन दिया है कि वो सरकार पे आने के बाद संविदा कल्चर को समाप्त करेंगे और मध्य प्रदेश को बिल्कुल कौन से पायदान आप सब हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में अच्छे विकास की ओर अग्रसर होंगे। मध्य प्रदेश में करेंगे ये भी तो बता दीजिए गड़बड़ है। अरे जफर भाई ये भी तो बता दीजिए वो 10 दिन में करेंगे कि 11 दिन में करेंगे का वादा है। किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे। चल चलिए बहुत सारी घोषणाएं कर दी हम तो श्रीवास्तव जी कुल मिला के इसका इफेक्ट क्या होना है चुनाव में परिणाम प्रभावित होंगे नहीं होंगे क्या होगा अभी ऐसे जैसे आपने एक चौकीदार संघ अलग आने वाला है विकास जी के पास ऐसे बहुत सारे संघ और आएंगे। खैर ये अपने आप में बहुत बड़ा संविदा कर्मचारियों में बहुत बड़ा हमला है बहुत बड़ी तादाद है। इसके पहले संविदा शिक्षकों किया था उनके भी शायद 282,000 लोग लाभान्वित हुए थे 282,000 अब 282,000 वो थे इसलिए लाभान्वित हो गए तो उनके पास करीब 35 लाख जैसा आपने आंकड़ा लगाया है कि आपके पास 25-26 लाख मत प्रभावित कर सकते हैं तो 35-40 लाख कर सकते थे कोई अपराधी विजय श्रीवास्तव जी की टिप्पणी। मेरा तो कहना केवल इतना सा है कि 35 लाख बंधुओं को एक 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 सरकार के एक काम में संतुष्टि हो सकता है ना हो लेकिन बाकी सरकार जो काम कर रही है इन 35 लाख के लिए भी और 7 करोड़ के लिए भी वो भी तो वोट का कारण बनना है श्रीवास्तव जी की टिप्पणी। श्रीवास्तव जी मैं पूरा डिबेट सुन रहा था जी विकास सोए नहीं थे बीच में नहीं विकास जी ज्यादा घुमाने फिराने का कार्यक्रम मत नहीं मैंने सीधा सरकार देखिए जन अभियान परिषद में जिस तरह से नियमितीकरण सरकार ने किया जी इंटरव्यू के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी जी अन्य विभागों में चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर NHRM हो या महिला बाल विकास हो तमाम जगहों पर अगर व्यापम के माध्यम से इनको सिलेक्ट किया गया तो कहीं न कहीं सरकार को इनको भी उसी राह पर ले जाना चाहिए जी। इन्हें भी नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए जी। क्योंकि इनकी सेवाएं 10 साल 15 साल 20 साल हो चुकी हैं जी। और इनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि किस किस जगह पर अब इसके बाद क्या करेंगे तो सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ये एक समय है जब जो है संविदा कर्मी एक साथ एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरे हैं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप लेकिन जो मांगों के लिए उतरे हैं सड़क पर हमारा ये मानना है कि इनको भी जैसे 282,000 लोगों को सरकार ने सुविधा दिया उनको नियमित किया तो 182 करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 500-700 करोड़ रुपए का सरकारी घाटा होता तो 200 करोड़ और सही जी। लेकिन सरकार को इनके साथ भी न्याय करना चाहिए और पूरे सामाजिक न्याय के साथ काम करना चाहिए। आज इनको सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं आप समझिए नर्सेज हैं और भी विभाग हैं इवन छोटे कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों पर चपरासी की नियुक्ति हुई ड्राइवर की हुई ये कहाँ जाएंगे और किस तरह से काम करेंगे। आखिरकार इन्होंने सरकार को अपनी सेवाएं दिया है समाज को भी दिया है तो इनके घर परिवार की भी चिंता करनी चाहिए। रही बात आपने कहा आने वाले इफेक्ट की बात तो देखिए जो नाराज होगा वो तो खिलाफ जाएगा। आपने देखा होगा 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार को सरकारी कर्मचारियों ने ही निपटा दिया जी। तो ऐसा नहीं है इस बात को पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी समझते हैं इसीलिए अभी आधे को खुश किए आधे को नहीं खुश कर पाए। लाभान्वित 282,000 नाराज 182,000 तो जीत किसकी हुई नहीं देखिए विकास जी सब बकायदे गणित नहीं गणित गणित में जो आप वो भी नहीं हुआ है वो भी संविलियन हो गया उसमें मात्र 25,000 लोगों ने अपना पंजीयन कराया उसको स्वीकार नहीं कर रहे नीति को अध्यापक उनमें भी काफी विरोध है वो सरकार के वापस टिक रहे उस नीति को उसको स्वीकार नहीं। लेकिन ये इसका पैमाना चुनाव के समय इस तरह से जो बातें आ रही उससे नहीं ना आते हुए अगर सामाजिक सरोकार से इस बात मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय दृष्टिकोण से काम करता है जी बिल्कुल उसी भी बात सही विकास में। अब वाजपेयी जी की जो स्थिति जो उम्र है मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी अब ये भी आपने बड़ा पॉइंट रेस किया कि वो जो 15 साल लोग नौकरी कर चुके हैं कहाँ जाएंगे तो उनके पास कई बार ऐसे मौके आए थे कि वो अच्छी नौकरी कर सकते थे इसलिए आपको सरकार ने 15 साल सरकार चलाई है और आगे भी आप बोल रहे हैं कि चौका लगाएंगे ही तो अगर 20 साल तो कम से कम इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए विकास जी मुख्यमंत्री पहले आपसे बोला नहीं इतना मौका नहीं मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आज हमारी पीड़ा को देखते हुए विभिन्न वर्ग के लोग वो सब आए आपके सीओ संघ आया
और सचिव संघ आया, सब लोग साथ में आए, कंप्यूटर संघ आए और वो लोग आज आए हमारे पीड़ा को देखते हुए। चलिए समझ में आया मुख्यमंत्री जी को भी, बात भी समझ समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, आपका जाफर जी, आपका और श्रीवास्तव जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज की चर्चा का फलसफा रहा कि चुनावी साल हो तो कर्मचारियों का यह नारा जरूर बुलंद होगा कि चाहे जो मजबूरी होगी हमारी मांगे पूरी हो। सरकार भी वोट की लालच में पसोपेश रहती है, मांगे पूरी की तो आर्थिक ढांचे पर गैर जरूरी बोझ पड़ेगा, नहीं पूरी की तो सत्ता का सिंहासन हिलने का खतरा। ऐसे में आगे कुआं पीछे खाई की कहावत चरितार्थ होती नजर आती है। जाहिर है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए किसी भी सरकार को मिलजुल कर कोई ठोस कदम उठाना होगा, जिससे आए दिन कर्मचारी संगठन सड़कों पर कदम ताल कर आम आदमी के लिए परेशानी का सबब न बने। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम, जनता मांगे जवाब।